खबरों में आगे बढ़ते हुए चलिए अब रुख करते हैं रायगढ़ का, जहां भाजपा पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की जिसमें अमित शाह के भाषण को तोड़ मरोड़ कर वायरल करने की निंदा की गई। वहीं तेलंगाना कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और वीडियो को वायरल करने वालों के खिलाफ FIR की मांग भी की गई है। तो भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक इस वीडियो को तेलंगाना से प्रसारित किया है। इसके अलावा भाजपा राज्यों में वीडियो वायरल किया। ये बहुत ही गंभीर विषय है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना, ये अपने आप में एक आपराधिक प्रकरण है और ये एक गंभीर विषय है। और साथ ही साथ दूसरा इसका पहलू ये है कि हम जिस वर्ग से आते हैं उसका जो भारतीय जनता पार्टी ने जो हम लोगों ने जो बात रखा है वो ये है कि हमारे वर्ग का एक बहुत ही भद्दा मजाक कांग्रेस द्वारा किया गया है। इसमें एक्शन तो होना ही है क्योंकि इसमें FIR दर्ज भी हो चुका है और इसका जांच पड़ताल भी प्रारंभ हो चुका है। दिल्ली साइबर सेल के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है और असम के मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पष्ट तौर से किया गया है और वहाँ के तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी को भी तलब किया गया है।